आजमगढ़ जिले के अंबेडकर पार्क में विश्वविद्यालय की मांग को लेकर एक युवक 8 दिन से आमरण अनशन पर बैठा है। उसका कहना है कि जब तक मुख्यमंत्री का कोई लिखित आश्वासन हमें नहीं मिल जाता तब तक आमरण अनशन जारी रहेगा। आजमगढ़ जिले के अंबेडकर पार्क पर 8 दिनों से आमरण अनशन पर बैठा यह शख्स मिर्जापुर जिले का रहने वाला है। इसका नाम अजीत कुमार सोनकर है, जो ITBHU से MTech है। युवाओं और छात्रों के लिए कुछ कर गुजरने की हसरत ने इसे आजमगढ़ पहुंचा दिया। बता दें कि आजमगढ़ जिले में विश्वविद्यालय की मांग को लेकर कई सामाजिक संगठनों ने बहुत आंदोलन किया और भाजपा के कई नेताओं ने विश्वविद्यालय की मांग को लेकर लखनऊ में मुख्यमंत्री से मिल ज्ञापन भी सौंपा, लेकिन पूरा मामला अभी तक कहीं मूर्त रूप नहीं ले सका और लोगों का आंदोलन भी धीरे धीरे ठंडा होता गया। ऐसे में मिर्जापुर के इस शख्स ने आजमगढ़ में विश्वविद्यालय की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट के सामने आमरण अनशन पर बैठ गया। अनशन पर बैठे इस शख्स अजीत कुमार सोनकर का कहना है कि अब तक जिला प्रशासन द्वारा मेरी बातों को अनसुना कर मुझे प्रताड़ित करने का हर उपाय किया जा रहा है, लेकिन मैं तब तक यहां से नहीं हटूंगा जब तक मुझे मुख्यमंत्री द्वारा कोई लिखित सूचना नहीं मिल जाती। तब तक मैं अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हूं। यह अमीरों की लड़ाई नहीं है, यह गरीबों की लड़ाई है, मजलूमों की लड़ाई है। और जितने जो गरीब तबके के हैं वो अगर अपने बच्चों को अगर विश्वविद्यालय में पढ़ाना चाहे, अगर उसके पास पैसे नहीं है तब तो वो नहीं पढ़ा पाएगा। आखिर यहाँ के भी लोग टैक्स देते हैं, यहाँ के लोग भी सारे सिस्टम में इन्वॉल्व हैं। तो यहाँ की जनता अब मांग रही है, एक विश्वविद्यालय मांग रही है सर। और इस संबंध में मैं काफ़ी लोगों से मिला और लगभग ये 4 महीनों का मुहिम था। जगह जगह मैं हस्ताक्षर अभियान चलवाया और तहसीलों पर गया और सारे स्टूडेंट्स से मिला और सारे लोग कहे नहीं सर यह होना चाहिए, हम लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। यह आंदोलन मैं शांतिपूर्ण तरीके से कर रहा हूं, यहां पे कोई तरीके का उपद्रव नहीं होगा सर, और मैं अब शांति तरीके से बैठा हूं। यह आमरण अनशन है सर, मेरे आमरण अनशन का 8वां दिन है। अभी तक माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से कोई भी आदेश नहीं आया है और मैं उसी के आश्रय में सर यहां पे प्राण त्यागने के लिए तैयार हूं सर। सर मानसिक तरीके से इतना परेशान किया गया है, पुलिस में बल का प्रयोग हम नहीं कह सकते, लेकिन जितनी हो सकी है। अभी कल रात की घटना है, कल लगभग 8 बजे पहले की घटना है, हमको उठाने की साजिश के सहस आप देख सकते हैं, हमारे बैनर को फाड़ा गया है, आप देख सकते हैं हमारे बैनर को फाड़ा गया, जिस पे मैं बैठता था उस चीज को गायब कर दिया गया। मैं निकला था थोड़ा बाहर पर, जिसपे मैं बैठता था वो गायब किया गया, और एक माला था जिसको लोगों ने मुझे पहनाया था वह भी गायब कर दिया गया। तो इस तरीके से तो हम नहीं समझते कि होना चाहिए यह लड़ाई, तो और अब तो सर धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा।